उसे देखिए क्या है, वो एक एक स्टेप है जीव तत्व से परमात्व की ओर, जीव तत्व से शिव तत्व और शिव तत्व से सदगुरु तत्व। सदगुरु माने गुरु साक्षात, वहां सदगुरु कौन सा आ जाता है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मे में श्री गुरु है। तो शिव से आने शनि गंता शनि पंथा शनि पर्वत लंघन, शनि शनि धीरे धीरे क्रमश आना है, क्योंकि आप लोग गृहस्थ आश्रम के हो तो गृहस्थ आश्रम से तुरंत आध्यात्मिक में एक साथ आप वो गहरा भाव तो नहीं आ सकते, तो क्रम क्रम आएंगे तो धीरे धीरे उसकी कृपा होती जाएगी और उसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो आपको भक्ति भाव समर्पण का ऊर्जा देते जाएगा। हम क्या करेंगे उसकी भक्ति जब तक वो न कराए, हम क्या करेंगे उसको ज्ञान जब तक वो हमको ज्ञान न दे। तो हमको नमन होकर के उन केंद्रों को ये करना है, वो हमारे सबके अंदर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी समझे, मतलब नास्तिक आस्तिक सबके अंदर वो केंद्र सब है, सृष्टि का केंद्र है, स्थिति काम केंद्र है, फिर स्थिति का केंद्र है, फिर लय का केंद्र है, फिर उसके बाद में परा ज्ञान परा भक्ति का केंद्र है, फिर उसके बाद में आज्ञा चक्र का केंद्र है जो आज्ञा करता है जीवत्व से परमात्म की ओर सीमा से असीम में ये होने के लिए, फिर सहस्त्र जहां पर हमेशा रास हो रहा है जिसको हम लोग लौकिक में रास देखते हैं प्रतीकात्मक में, वो सहस्त्र का ये है। पहला चक्र से ही नमन करने का है, वो गणेश का केंद्र है, फिर रति काम का केंद्र है, फिर ब्रह्मा सरस्वती का केंद्र है, फिर लक्ष्मी नारायण का केंद्र है, फिर परा गौरी और शंकर का केंद्र है, चक्रों में गौरी शंकर वो दोनों शक्ति और पराभक्ति परा ज्ञान शक्ति का वो आखिरी केंद्र, उसके ऊपर जो चौतरा के ऊपर में एक है वो आज्ञा चक्र का केंद्र है। वहां से जब आज्ञा मिलता है तब सीमित सीमित से हम असीम समाधि में जाते हैं, तब जीव जीव नहीं होकर के शिव होकर के स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाता है। ज्यादा ऐसा नहीं सोचिएगा कि दुर्लभ है, तुम्हारी दुर्लभ दुर्लभ की धारणा ने उसे अति दुर्लभ कर दिया, इसलिए वो कैसा वो क्या बोला है कि जाती हुई भावना जैसी। तो हम लोग का भावना क्या है कि परमात्मा दुर्लभ है, ये धारणा बना लेते पंडित पुजारी मौलवी पादरी, वो उन लोग दुर्लभ बोलेंगे तो उनका इनकम है ना, अरे दुर्लभ को वो सुलभ करेंगे तो फिर उनको फाइन दो, ठीक है ना, बुरा मत मानिएगा, बात समझ आ रही है ना, वो सुलभ है अभी है और क्या है सुलभ है, कितना सुलभ है, ये तीन बात मैं खत्म करता हूं, वो सुलभ है अभी है और यहां है, यहां यहां अनुभव करो ऐसा करो, जहां भी आप सांस ले रहे हो मुंह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मैजिक ना काबे कैलाश में, खोजी होई तो पल भर में मिल जाऊं हर सांसों की। ये हिंदी भाषा समझ आ रहा है ना, बिल्कुल हिंदी सब समझ रहे ना, और सांस 24 आवर चलता है कि नहीं, और आपके चलाने से नहीं चलता है वो अपने आप चलता है, आप सांस लेते आप सांस चलते लेते नहीं है वो स्वाभाविक है, यानी आपके आपके कोशिश से सांस नहीं चलता है, ये मालूम है ना, वो कैसे चलता है, स्वाभाविक चलता है, यानी कि आपका बिना आपका कोई कोई भी कामना उसमें जुड़ता नहीं है, निष्काम भक्त कई भाषाओं में बोलते ना, ये जब मैं लैंग्वेज यूज करता हूं तो दिस साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ होल यूनिवर्स ऑफ वाइब्रेशन, अभी तो साइंस इसको प्रूफ कर चुका है जो कि अदृश्य में जो है साउंड ऑफ वाइब्रेशन को कैच किया जा रहा है, और विज्ञान एक दिन ये परम तत्व को भी कैच करके आपको डिस्कस करके प्रूफ कर देगा, और उसमें फिर ये पगला का आवाज आपको सुनाई जब दे देगा तो अपने आप पता लग जाएगी ये किसने कहा था, वो आ रहा है जा रहा है वो 24 आवर्स, यू अंडरस्टैंड, हर सांसों की सांस में, हर का मतलब बहुवचन आ गया, नॉट एज इंडिविजुअल, इज नॉट योगी त्यागी इज नथिंग, नॉट इंडिविजुअल, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, और ना हिंदू कोई आइडेंटिटी नहीं, ये तो हम लोगों ने बनाया ना, हिंदू के घर में पैदा हो गए हिंदू हो गए, मुस्लिम के घर में पैदा हो गए मुस्लिम हो गए, बात पकड़ में आ रही, मतलब ये तो इंसान तो बनाया हुआ है ना, परमात्मा जब पैदा होता है बच्चा तो उसका कोई जात नहीं होता है, मालूम है ना, बाद में हम लोग उसको संस्कारित करते हैं,
और सभी जातों के परे उसकी बात है, तब उसकी मुलाकात है। बहुत बड़ा अच्छा लगा ना, सभी जातों के ऊपर उसकी उसकी बात है, सभी जातों के ऊपर उसकी बात है, तभी उससे मुलाकात है। तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ना, नैरो माइंड एकदम छोड़ देने का। ऐसा सोचिए अभी है और यहाँ है, जब भी बैठे प्रभु के चिंतन में, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, है ना, तो जब भी बैठे तो ऐसा सोचे वो अभी है, क्या है याद आया, मतलब आसपास कहीं है। जैसा फूल का सुगंध आता है ना, तो लगता है कहीं पर खिला है, नहीं तो सुगंध कैसे आ रहा है, तो आसपास कहीं खिला है तभी ना सुगंध आ रहा है। इसी तरह से जब आपको याद आ रहा है, मतलब वो आ गया है, आपको याद वही दिलाता है, तब आपको याद आ, आप क्या उसको याद करेंगे, आप अगर याद करते होते तो कब का क्या हो गया होता, वो याद दिलाता है तब आप याद करते हैं। उसकी वो कहता है मैं ही भुलाता हूं, मैं ही भटकाता हूं, मैं ही राह मिलाता हूं, मैं ही राह दिखा करके, अपना नाम जपा करके, अपने को दिखा करके, अपने में अभी है, यहां है, हुए थे नहीं, होंगे नहीं, हुए थे तब तो मिस कर गए ना, होंगे फिर भी मिस हो गया ना, है बोलने से। और बोलती है, बोलते हैं है जैसे आप सोच लेंगे, तो जाके हुई भावना जैसी, ये बात पूरी हुई, कौन सी बात पूरी हुई, हाँ अच्छा लगा, आज इतना ही। इतने आदमी और थे आपको दर्शन के लिए, देखिए इतने आदमी और थे आपको दर्शन के लिए, वो कानों में आवाज चला जाए वो कैप्सूल का काम कर जाएगा, अर्थ ज्यादा नहीं लगाने का, बस ग्रहण करने का, अमृत को अर्थ लगाने से फिर वो बाहर ही रह जाएगा, फिर हम नहीं पान अमृत में हो सकेंगे, बस पान कर लीजिए, देखिए फिर उसका अपना क्या परिणाम आता है, है ना, उसको वचनामृत कहते हैं या प्रवचन कहते हैं। ऑडियो वीडियो रहे मैंने उनको शामिल रखे बोलते हैं, है ना, ऑडियो वीडियो शामिल रखी हुई मैंने, ऑडियो टाइम थी चले बीच में, जैसे कि जाने अनजाने उसका जो साउंड ऑफ वाइब्रेशन है वो उनको लगा रहे। अपने अंतर में चाहे आप किसी भी मजहब के हों, किसी भी गुरु को अंतर में आह्वान करें, क्योंकि अंदाजे फीवर देखना और थर्मामीटर लगा करके देखना बहुत फर्क पड़ जाता है, अंदाजे में ठीक नहीं मिलता है कि कितना फीवर है, लेकिन मीटर लग जाने से उसी तरह से। तो यहां मैं प्रत्यक्ष हर बात को प्रमाण करता हूं, वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिक, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी प्रेजेंट। जब भी मेरे दरबार में बैठे या इस आसन के पास बैठे या जहां भी आसन लगा है वहां पर अपने इष्ट या गुरु का आह्वान कर लीजिए वहां पर, ठीक है। यूनाइटेड इज ऑल इष्ट एंड गुरु का एक संगठित स्थान होकर के जब आप मन विचार हृदय समर्पित होकर के कर्म योग से भक्ति योग से ज्ञान योग से जब समर्पित होंगे तो शक्ति का वहां आह्वान हो जाता है ब्रह्म आसन पर। और देखिए कि जब ये सारे शक्तियों का सम्मिलित वो आसन, ठीक है, वहां पर आप केंद्रीभूत है और जब भी आएंगे तो आपको पता लग गया है कि हमने अपने गुरु को यहाँ बैठा लिया है,
या जितने भी हुए थे सदगुरु उनको यहाँ आह्वान कर लिया है, तो वो तो भाव रहेगा ना। और एक आदमी आया बिना हिचक उसमें बैठ गया, ऐसा कैसा हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब वही नहीं होने से वो आसन नहीं ग्रहण कर सकता। ये मैंने मीटर दिया आपको, क्या बोलते हैं, वेरी साइंटिफिक। अभी विज्ञान का जमाना है ना, तो विज्ञान के ढंग से बोलने से समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये थर्मोमीटर से चेक करो, ऐसा नहीं क्योंकि मेरे को फीवर है, नहीं नहीं मीटर लगेगा अपने पता लग जाएगा 99 है 105 है, ठीक है। तो मैंने आपको मीटर दे दिया। और इसका सहज मीटर क्या होगा है? जब भी आओ जहां भी ब्रह्मासन लगा हुआ है वहां पर स्वयं परमात्मा को आह्वान करो, और बीच बीच में देखो कि कौन पागल आकर उसको बड़ी मजे से उसमें बैठता है, बड़ी मस्ती लेता है, जैसा आप लोग उसको याद करके मगन होते वो भी मगन हो जाता है, और मगन होकर के कुछ हमारे दिल की बातों का उत्तर देना शुरू कर देता है, जो कि हम बिना भी उससे पूछे नहीं रहते हैं और वो बोलना शुरू कर देता है। इसका मतलब दिल की बात को जानता है ना वो, क्योंकि दिल से स्वीकार किया उसको, तो दिल की बात को उत्तर देता है। आज इतने न वो तो उससे जुदा है ना तो उससे जुदा है, ए बंदा तू कहाँ खोजता है वो कहाँ खुदा है, वो खुद में बसा है, इसका नाम उसका खुदा है। क्या समझो, वो खुद में बसा है इसलिए उसका नाम खुदा है। ये सब थोड़ा अति हो जाएगा, हमारे माता बहन इतना गहराई मत लीजिए, ये सब कैप्सूल हो जा रहा है। जो भी आसन में बैठे उसको चार्ज करने के लिए थोड़ा बहुत तीनों काम करना पड़ता है, शब्द भाव लक्ष्य। तो जब भी आप लोग आए जहां भी आपको दिल करे, स्वतंत्र है, जहां भी आप बैठे बस अपने सदगुरु को, गुरु ब्रह्मा पहले ब्रह्मा से शुरू करें, गुरु ब्रह्मा उनको आह्वान करें। फिर ब्रह्मा मतलब सृष्टि के स्वरूप में हम आपको, सृष्टि मतलब संचालित रूप में, यानी हिलते डुलते में, ब्रह्मा मतलब सृष्टि, ये अरूप ब्रह्म, ब्रह्मा मतलब सृष्टि, सृष्टि स्वरूप में हम आपको जानना चाहते हैं। हे ब्रह्मा उस अरूप को स्वरूप में हमें साकार में देखने के लिए, और चलता फिरता हिलता दौड़ता ऐसा स्वरूप में उसको प्रकट कर दो। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु उसके भाव में, और उसके भाव में जैसे वो मेरे से मिले वो इतनी भाव की बातें कहे कि हम उस भावातीत, इस भाव के जरिए उस भावातीत में मगन होने लग जाए, और उसमें हम मगन हो जाए, हम उसमें मगन, और धीरे स्थिर शांत होकर कहीं लीन हो जाए उसी के भाव में। तो गुरु विष्णु और उसके भक्ति और जो संदेह थोड़ा था वो भी मिट जाए, ये गुरु विष्णु। और गुरुदेव महेश्वरा की जो बात आज तक पर्दे में था, हमको पता ही नहीं था कि ऐसा होने से होता है, वो बात का पता मिल गया। हमेशा सोचिए वो अभी है वो कहाँ है, नहीं जब आश्रम में आ गए, आश्रम को मतलब यहाँ पर वो आश्रित है, जहाँ आश्रय लेने पर क्या समझे, वो मकार तत्व ब्रह्म, वो वहाँ उससे आपका संगत होता है, उसकी अहितु कृपा से आप लाभान्वित होते हैं, समझे मतलब, जहाँ आश्रित होने पर ये वो आश्रय, वो मकार तत्व में प्रकट होकर के कहता है सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, न तुम मुझसे कम हो न मैं तुमसे कम हूँ, इतने सहजता से तुम्हें जो स्वीकार कर लेता है। और हर सांसों की सांस में मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो बहुत आनंद है, अपने अनुभव करें, और ये बात हमेशा याद रखें, जब भी आए तो आसन में उसको आह्वान करें अपने अपने, जिनको भी आप मानते हैं। आपको ये नहीं कहूंगा कि इंडिविजुअल अलग से हम ही को माने, क्योंकि हम ही माने क्या, एक जो सब में समाया है और सब जिसमें आया हुआ है, तो आप जिसको भी मान रहे हो उसमें भी तो ही समाया हुआ है, तो आराम से वो आपको फ्रीडम देगा। और स्वतंत्रता जो ना दे, जो शुरू से ही आपको मुक्त ना रखे, वो मुक्ति क्या देगा। बंधन जब कोई बांध देता है, गुरु बांधता नहीं है, गुरु क्या करता है, स्वतंत्रता देता है, तुम जो हो जैसे हो मुझे मंजूर हो, आनंद कर लो, इतना उदास कहे तो बैठो, सच्चिदानंद के दरबार में बैठे हो, है बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। आज पटाऊ बोले थे कि हम पटाऊ को बोले थे कि जिस समय में एकदम समाधि स्थिति में पड़े हुए थे, तो पटाऊ बोले कि आप आश्रम चलिए, तो फिर अब वही उनका प्रमाण, ऐसी स्थिति में थे, और यहाँ आकर के दो लेक्चर अटेंड हो चुका अभी तक ना, दो तीन लेक्चर हो गया, तीन हो गया, चलो तीन, चलिए तीन पूरा हो गया, अब चलिए आनंद। अच्छा कोई कह नमस्ते आनंद।
जब भी आप लोग सोचते हो कि अब सादा साथ जब बाबा नहीं मिलेंगे बोल के, अब लंबा समय हो गया, बाबा जी शायद है भी कि नहीं है, लेकिन बाबा जी थे, हैं और सदा रहेंगे, और जहां जहां उनका आसन है वहां सदा स्थित है। अगर साधना की शक्ति है तो आजमा के देखो, हमेशा मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम आलमय की प्रेजेंट, मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ। अरे इतना तप हो कि तुम्हारे हर सांसों में क्या, इतने गरीब, कितना गरीब हूँ, मैं प्रेजेंट था, प्रेजेंट हूँ और प्रेजेंट आई एम आलमाई की प्रेजेंट। ये अनुभव को तो लिया लो, देखो तुम्हें रोमांच होने लगेगा, मगन होने लगेगा। अरे भाई मैं सामने रह के बोल रहा हूँ कि सपने में बोल रहा हूँ, और कितना खुल के बोल रहा हूँ, पंडितों बोली तो तनी ठीक है, आखिर पंडित है ना, ये वो चीज नहीं, ये दरबार किसका है, सदगुरु का दरबार। यहाँ ब्रह्मा नमन होते हैं, कर्म योग ब्रह्मा सेवा का काम करते हैं, यहाँ जिनके अंदर ब्रह्मा की भाव आ जाती है वो यहाँ सेवा के काम में लग जाएंगे। ब्रह्मा सदगुरु के दरबार में ब्रह्मा सेवा का काम करते हैं, विष्णु पालन का और भजन भाव का हमेशा वातावरण बनाए रखते हैं, और सिर्फ लय होकर के हमेशा बोलते हैं कि मैं लय हूँ, आंख खुलो तो जैसे सामने, आंख खुले मेरा तो सामने आपको महसूस करो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, यही खत्म है का बात, आगे है ना कुछ। हाँ, अरे हमारे माताएं बहने पहले बाप जादे भी स्तर पर भूल रहे, माताओं की आवाज आ रहा है, ये वाला भी बनाए रखिए, और आसन पर उसी को चौथा नंबर को दीजिए। ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, इन लोगों का काम बिगड़ता रहता है। ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी बैठी, विष्णु के घर लक्ष्मी, अब घर वाली बैठी है तो थोड़े सबके तो पत ना शॉर्टकट में बोल दिया। ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी बैठी, विष्णु के घर लक्ष्मी, और शिव के घर रुद्राणी बैठी, तीनों ही दुखिया रे, फिर सुखिया कौन है? सदगुरु एक सुखिया, सदगुरु एक सुखिया, वो सुख का अनुभव करो, जियो, एक कृपा दृष्टि उसकी आंख पर पड़ जाए और एक आवाज पड़ जाए, वो सब सब ब्रह्म है, शब्द पात्र में भाव प्रसाद है, प्रेम रस में आनंद स्वाद उसमें मिला हुआ है, वो इतना काम कर जाएगा। तो मुझे यहां किसी भी हालत में यहां बुलाने में आप लोग का ही हाथ, अब जब तक सगुण में मुझे आह्वान करते रहेंगे मैं रहूंगा, क्या इरादा है, जब तक सगुण में आह्वान करेंगे, और नहीं तो मुझे निर्गुण का बहुत जोर का नशा चढ़ा हुआ है, और हमेशा यहाँ पर गुरु साक्षात परम साक्षात का आह्वान करें, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, मैं आपके रंग में रंग जाता हूँ और आपका भाषा उसका सब समझ लेता हूँ। ये जो संगत में पुराने आ रहे हैं 20-30 साल से, उनसे उनको मेरे हर चीज से अनुभव है, उनसे व्यक्तिगत मिले तो आपको मालूम हो, हम नया चेहरा बहुत देख रहे हैं लेकिन कोई भी नया नहीं है, शरीर से आज आप नया आए हैं लेकिन कब से आप आ रहे हैं आ रहे हैं। हाँ बीच में कुछ गैप हो गया, कुछ विमुख हो गए, कुछ थोड़ा संपर्क नहीं हो पाया, जो आते थे वही आ रहे हैं और आते रहेंगे, तो कोई भी नहीं सोचेगा कि हम नए हैं, क्या है, वो अति पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है, इसीलिए उसका नाम सनातन है। इसलिए आप बहुत पुरातन से मेरे संपर्क में हैं, लेकिन छूट दे दिया गया है, खाओ पियो जियो मस्त रहो, रोटी कपड़ा मकान आहार नित्य, कहाँ नहीं है मैं, है बता कि कहाँ नहीं मैं, मेले में भी मैं, एक वाणी है खड़े हो, इसलिए कभी कभी वाणी सब भी पढ़ लिया करो, मेले में भी मैं, झमेले में भी मैं, और तो तुम ये तीन चीज की छोड़ कर और कहाँ हो, कभी झमेले में रहते हो, कभी मेले में रहते हो, तुम्हारा भी मैं,
है बता कि कहाँ नहीं है। अगर दृढ़ एकदम ठान लो और महसूस करो तो तुम्हें आसपास महसूस होने लगेगा। अरे मैं बार बार थर्मामीटर दे रहा हूँ कैसा रहा, इतना सस्ता में कोई पैसा नहीं देगा, बट ना रसीद मत काटिएगा थर्मामीटर। बहुत आनंद है। ये तुम्हारे आनंद केंद्र को थोड़ा जगा देता हूँ। मेरे प्रवचन में सिर्फ तुम मत सोचना कि कुछ भाषा बोलता हूँ मैं, तुम्हारे कुछ केंद्रों को भी जगाता हूँ, जो बीच में अचानक तुम सीरियस होकर सुनते रहते हो और एक आनंद की झटका देता हूँ, वो केंद्र को ओपन कर देता हूँ। यू अंडरस्टैंड, जो केंद्र को ओपन करने के लिए स्वयं शंकर भी हजारों वर्ष तपस्या में बैठे रहते हैं। जो आनंद केंद्र पहले विकसित हो तब चित्त परा चैतन्य केंद्र हो, तब जाके सत्ता केंद्र उपवास होता है, तब ये सब ये शिव जो है परम तत्व में लीन हो जाता है ये केंद्र को। लेकिन संगत जब होता है, समर्पण जब होता है, बड़ा भाग मानस तन पावा, बड़ा भाग वेरी लकी टू दिस मैन ऑफ लाइफ। हम लोग बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जन्म पाए हैं, ये जन्म को गंवाना नहीं है। और रोटी कपड़ा मकान सब कुछ में रहते हुए, मेले झमेले सब में रहते हुए, मजे की बात है वही तो ज्यादा फर्क है कि सब में है फिर भी उनकी याद बनी हुई है। ये कैसी याद है कि मेला झमेले में भी उसकी याद बनी है। ये बहुत बड़ा तपस्या है, मेला झमेला लगाया मैंने अपनी जीवन की जो साधना है मेले झमेले और ये अकेले में किया, मेले झमेले में अकेले तत्व को प्राप्त किया। जो मेरे शुरू से मेरे संगत में है जानते हैं, मेले झमेला मतलब समझ में मतलब गृहस्थ आश्रमों के लोगों के बीच में ही रहा, सबके बीच में रहा, इसमें ही मेला लगाया और इनके झमेले में ही रहा, इनका दुख कष्ट में शामिल हुआ। तो झमेला नहीं है दुख कष्ट में शामिल होना, झमेला नहीं है, ये झमेले में रहा और फिर उत्सव मनाया वो मेला हो गया, लेकिन फिर भी अकेले में कैसा। बात पूरी हुई, मैं कहता नहीं हूं जीता हूं और जीते जाते का सामने में दिख रहा हूं, सपना तो नहीं देख रहे ना, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा आज इतने पटनाऊ का इनडायरेक्ट पटनाऊ का कई बेल बच चुका है मेरे पास, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता है क्योंकि हमारी आवाज उनका बेल से ज्यादा हो जा रहा है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत है। और मेरे करीब 300-350 ऑडियो वीडियो है, उसमें कोई बात मैंने नहीं छुपाया, सब बात को व्याख्या कर दिया, जीव तत्व से लेके ब्रह्म तत्व तक का सारे बातों को बड़े साइंटिफिक, बड़ी लॉजिक, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी साइंटिफिक लॉजिक जॉगिक एंड प्रैक्टिकल, और गृहस्थ आश्रम में रह करके कहीं जाना नहीं है। गृहस्थ भी एक आश्रम है कि नहीं, ये गृहस्थ आश्रम में रह करके उसको प्राप्त करना, जनक के जैसे विदेही होना है आपको, भागना नहीं है, जो भागा सो खोया, क्या समझे, और जो जागा सो पाया। भागना नहीं, मैं भागना नहीं सिखाता और मैं भी नहीं भागा लोगों के बीच में रह करके, क्योंकि मैं पहले बताया कि अकेले में भी हूं, मेले में भी हूं और झमेले में भी, और आप लोग के बीच में तो कैसा कैसा चलता रहता है वो तो सब चलता है आप लोगों को पता है, उसके बीच में मगन रहता है, क्योंकि एक बात हो जाता है यही उसका परीक्षा है, चाहे वो जहां भी रहे लेकिन वो वही है, क्या समझे, वो वही होता है, एक बार जोग हो जाने पर फिर वियोग नहीं होता। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेले झमेले में आराम से विचरण करता है, क्यों, वो अब है कि मेले झमेले में भी है लेकिन अकेले की बात कर रहा है, अरे मेले झमेले में रह के अकेले की सारा हो रही है कि नहीं, तो लगन कहां लगी हुई है, इमरजेंसी में जितना तुम मुझे वर्तमान में अनुभव करोगे और तुम जैसा सोचेगे वैसा मैं हो जाऊं, जाति हुई भावना जैसी, ये बात को मैं जीवन में तुम्हें प्रमाण करके बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, इसको भी एक्सपेरिमेंट करो, तुम जैसे सोचोगे मैं वैसा हो जाऊंगा, क्या समझे, ये पक्का पन कहीं दिख रहा है, हाथ देखा।